आज मैं जा रहा हूँ इलाम की ओर और मेरा भाई भी आ गया प्रीतम जी एंड उनकी मम्मी कल चले जाएंगे नेपाल नेपाल ले इंडिया चले जाएंगे। गाइस अभी हम है इलाम चौक बाजार देन अभी यहाँ पे थोड़ा घूम रहे हैं। तेरा गांव का नाम क्यों? फुटुक में जा रहे हैं। इसका गांव का नाम है फुटुक। मैंने जाते जाते ये बाइक देखा, काफी ज्यादा मस्त है। नेपाल में ये बाइक बहुत चलता है। कितना इसका प्राइस? 7 लाख। सो गाइस देख सकते हैं ये है कौन से सीट वाला है देखा तेले वाला है। अभी मुझे ये बैठाने वाला है बकरी का सीट में। तेरा धान का तो चाह रहा है? तेरा भाई का धान किधर है? वहाँ पे ना तेरा मिट्टी देखो। भाई का खेत उधर ही है। लेकिन आज तो सच्ची में ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा होगा बोल के, ऐसा खतरनाक से बैठ गया होगा बोल के। कभी सोचा नहीं था इधर भी आना पड़ेगा बोल के। रास्ता बहुत ज्यादा खराब है। गाइस अभी हम लोग यहाँ से उतरेंगे, चलो। देख सकते हैं मेरा क्यूट वाला भांजा कोई हटा लेकिन देखो तो भांजू यहाँ पे बर्तन मांज रही है दीदी जब बढ़िया से। खुकुरी 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 अरे अच्छा कोई नहीं। डिस्कवर बाइक पे चलो भाई, ले रहा जा बाइक। स्टार्ट ही नहीं हो रहा यार बाइक पे। एक्चुअली बोलने से हम पूरा पहाड़ में गए। बढ़िया आराम से भाई। ओए कस्तो चलाको ढुंगा रिवर चिप लेको मैं चलाको छत त्यसरी चलो आराम से। तो हे गाइस नमस्ते, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइस आज मैं जा रहा हूँ इलाम की ओर और मेरा भाई भी आ गया। भाई मुझे लेने आया। गाइस प्रीतम जी एंड उनकी मम्मी कल चले जाएंगे नेपाल नेपाल ले इंडिया चले जाएंगे। तो गाइस हम लोग का लेट होगा, मतलब मम्मी एंड प्रीतम जी को छोड़ देंगे यहाँ पे। बैग सेक पूरा रेडी हो चुका है, चलते हैं इलाम की ओर। फिलहाल गाइस हम यहाँ से निकलते हैं, ऑल सेट रेडी हो चुका है। अभी हम लोग जाएंगे इलाम। का जाने रहे हम लोग इलाम में? का जाने इलाम में? इलाम में जाने है ना। तो ठीक है आप लोग ऐसे चाहिए। बाय बाय। ओके बाय बाय। बाय 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 आंटी। बाय बाय ना। चलो गाइस निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस जैसे कि देख सकते हैं भाई अभी कार चला रहा है, देन अभी हम लोग जा रहे हैं बस पार्क। वहाँ पे टैक्सी लगा होगा भाई का, तो उसी में हम लोग उठ के जाएंगे इलाम की ओर। और लोकेशन कुछ ऐसा है गाइस, नेपाल का ट्रैफिक को देखिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं आगे की तरफ। गाइस एक्चुअली बोलने से सुबह में नहाने का टाइम ही नहीं मिला ना, तो जाके अभी झापा में ही नहाऊंगा। एक्चुअली बोलने से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बस पार्क, इसको बोलते हैं नेपाल का बस पार्क। देख सकते हैं गाइस यहाँ पे बस तो दिखाई नहीं दे रहा, बस इधर एक और यहाँ पे ज्यादातर टैक्सी स्टैंड ही है। अभी हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं, अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे झापा की तरफ। देख सकते हैं दुकान में पूरा खिड़की टांग के रखे है, इतना ज्यादा बाप रे बाप। और भाई उतर रहे गाड़ी। और गाइस देख सकते हैं नेपाल में हम लोग का डाटा बूस्ट करना है ना, तो कुछ ऐसा नंबर मिलता है, देन यहाँ पे हम डायल करेंगे 902*902 देन स्टार उसका जो नंबर है, उसके बाद हैश करके कॉलिंग करने का, उसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे डाटा आ जाएगा। चुके हैं इलाम एंड यहाँ पे हम लोग ने कुछ अपना लग गया था। और ये पूरा पहाड़ी इलाका आके चुके हैं, लेकिन यहाँ पे ऑटो चलते हैं। चलो मैं आगे का दिखाता हूँ आपको, ठीक है? पापा पैसा दे रहे हैं वहाँ पे, एंड दिखाता हूँ मैं अभी भाई का बस्ती जाऊंगा। ऑलमोस्ट 45 मिनट लगेगा बोल रहा था भाई जो अपना बस्ती में पहुंचने के लिए। देखते हैं अभी क्या होता है आगे। नेपाल का झंडा गाइस, नेपाल का फ्लैग छुरपी। सो गाइस अभी मैं यहाँ पे एक नेपाल का जो एटीएम है, नेपाल एसबीआई बैंक है, इसमें मैं इंडियन एटीएम अप्लाई करने वाला हूँ एसबीआई का। पापा ये देख सकते हैं अंदर लेके गाइस, प्लीज वेट। ऐसा 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 ओके पता नहीं ओके या दीप बहादुर छेत्री आ गया मेरे पापा का। एंटर योर पिन। सो एक्चुअली गाइस पापा का एटीएम ब्लॉक होके बैठा है, नहीं तो पैसे निकल जाना था। अभी मैं बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम से ट्राई करने वाला हूँ, होता है कि नहीं होता वो मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मैं ट्राई करूंगा इससे, ठीक है? चलो गाइस ओके कर देता हूँ। एंटर योर पिन यहाँ पे क्या लिख के, ये नहीं हो पाएगा। अभी हम है इलाम चौक बाजार, देन अभी यहाँ पे थोड़ा घूम रहे हैं और बहुत ज्यादा वाइब्स अच्छा आ रहा है गाइस, काफी ज्यादा सुंदर है। हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं अभी। यू क्यों, ये मंदिर है ना, और नेपाल में मंदिर कुछ इस तरह से बनाते गाइस, काफी ज्यादा प्यारा है एंड बहुत ज्यादा सुंदर है। पापा को चाय पीने का मन कर रहा है, हम लोग अभी चाय के लिए एक तो ढूंढ रहे हैं। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं, गाँव का नाम क्यों? फुटुक। फुटुक में जा रहे हैं, इसका गाँव का नाम है फुटुक। और मैंने जाते जाते ये बाइक देखा, काफी ज्यादा मस्त है। नेपाल में ये बाइक बहुत चलता है। कितना इसका प्राइस? 7 लाख। 7 लाख का बाइक है गाइस। देखो गाइस दो इस पे एग्जॉस्ट लगाया हुआ है यहाँ पे, बहुत मस्त बाइक है यार, मुझे भी चलाने का दिल लग गया इसको देख के। और लोकेशन देखो गाइस कितना सुंदर है। चलो पापा चलते हैं अभी, है ना जाने, है ना। चल 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 गाइस, ये है गाँव का गाड़ी, देन हम इसी में जाएंगे। तो गाइस देख सकते हैं ये है कौन सा सीट वाला है देखा तेले वाला है बकरी। अभी मुझे ये बैठाने वाला है बकरी का सीट में, देख सकते हैं।
बकरी का जगह में बैठाने वाला ये जन नहीं कोहरा ही कोहरा छा रहा है, देख सकते गाइस। बकरी भी डाल के रखा है, पूरा फुल लोडेड है, और आज इसने मुझे बहुत ज्यादा तंग किया है, बहुत ज्यादा इधर उधर ऑलमोस्ट 3-4 गाड़ी को हम लोग ने चेंज किया है, प्लस बकरी का सीट में बैठा रहा अभी ये। नेपाल आने का एक्सपीरियंस बहुत खतरा रहा इसके साथ तो बहुत ज्यादा खतरनाक था, है ना। अभी चलते हैं आगे बकरी के साथ में, पापा को आगे बैठा दिया, पापा को आगे पापा, हम पीछे बैठ के जाएंगे गाइस। तो फिलहाल गाइस मार्केट से हम यहाँ पे आए थे, लाइक मैं अंदर बैठ के आया था, अंदर कुछ ज्यादा ही एडजस्ट नहीं हो रहा था, इसका वजह से मैं ऊपर आ गया। देन ऊपर बैठ के ही हम गांव की ओर जाएंगे। देखो पूरा ठंडा है यहाँ पे, कोहरा ही कोहरा छाया हुआ है। देन देखते हैं आगे का रास्ता कैसे है। गाइस अगर लोग जा रहे हैं गाड़ी के ऊपर बैठ कर, गाड़ी से अगर नीचे गिर गया ना तो सोच लेना भगवान। देखो गाइस रास्ता कैसे है, बाजू बाजू समाते कुछ है महिले देखे ना ठोर लगते सर। समाते समाते बाबू, गाँव मेरा घर मतलब इसके घर जा रहा हूँ मैं। रास्ता बहुत ज्यादा डेंजर है यार, उनको डर ही लग रहा है देख के, बिगड़ में इधर आ गया क्या ऐसा सोच रहे हैं। देखो ना गाइस कैसा है रास्ता, मैं तो पूरा डर डर के बैठ रहा हूँ अभी, मैं बेकार में आ गया यहाँ पे, देख सकते हैं रोड काफी ज्यादा खतरनाक है, इधर तो पूरा पहाड़ी है। ओए लाग ले असली नेपाल गाइस ये है ना, ये गाँव है, गाँव विलेज बीजो की छो गाँव तीर रास्ता न भर पिछवाड़े का हालत पूरा पंचर हो चुका है, बिकॉज हम लोग ऐसा में बैठे हुए ना लुहा लुहा में, जल्दी पहुंच जाओ। इंटरनेशनल सीट बोल रही है, कहीं भी मिलेगा तुमको ऐसा, कभी नहीं बैठूंगा अपने ऊपर ये रोड में। और लोकेशन चेक करो गाइस इतना सुंदर है, जाके चेकआउट करते ठीक है, ये लोग का घर, ये लोग का खेती, लोग किस तरह से रहते हैं सब कुछ दिखाऊंगा मैं ठीक है। और रास्ता तो देख लिया आप लोग ने, बस बारिश ना आए, बारिश आने से और ज्यादा खतरनाक होगा। सो लुक एट द व्यू गाइस, काफी ज्यादा सुंदर है, और ये सब धान है, धान राइस पूरा घेरा हो गया। धान का तो चाह रहे, मेरा भाई का धान किधर है, वहाँ पे ना तेरा मिट्टी देखो गाइस, भाई का खेत उधर ही है। लेकिन आज तो सच्ची में ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा होगा बोल के, इतना खतरनाक से बैठ के आऊंगा बोल के, कभी सोचा नहीं था इधर भी आना पड़ेगा बोल के। रास्ता बहुत ज्यादा खराब है, लोकेशन तो चेक कर सकते गाइस, बहुत ज्यादा सुंदर है। अब आज पूरा बदन दर्द देगा मेरा गाइस, बहुत ज्यादा थक गया यार। देन यहाँ पे थोड़ा देर रुक गाड़ी को, मैं थोड़ा देर रुक जाता हूँ, लाइक कर दे दामी रहा सक्का फलता है ना तेरे नो रे एक सीन है काका आंटी अली के दी ला वू ला समा ऐसा चलो गाइस चलते हैं। लोकेशन पे थक गया यार, बहुत ज्यादा थक गया सच्ची में, बहुत ज्यादा थक गया। रास्ता ऐसा है बहुत खत्म है आया, ये देखो कितना कितना बड़ा बड़ा पत्थर है। सो गाइस अभी हम लोग यहाँ से उतरेंगे, चलो कौती भाई हम लोग। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं इसका घर, कौन से घर, हेलो नमस्ते। अभी मैं पहुंच चुका हूँ अपने सनू के घर पे, देन देख सकते हैं मेरा क्यूट वाला भांजा, दीदी को भी मिलाता हूँ आपको ठीक है। यहाँ पे बर्तन मांज रही है दीदी जो बढ़िया से, हेलो हेलो हेलो। तो हमारे जो सनऊ है वो बाहर गए, उनसे भी मिलाऊंगा ठीक है। और नेपाली का सबसे बड़ा हथियार खुकुरी खुकुरी खुकुरी, अरे अच्छा कोई नहीं, ये शायद खराब हुआ होगा, असली ओरिजिनल दिखाऊंगा, घर के अंदर में रखते हैं शायद, वो ही दिखाऊंगा मैं ठीक है। ओए कैसा नकली कुकुरी रखा है तुमने, पिताजी का मेरा कुकुरी। तो इसका अंदर एंटर करते हैं घर, तो चेकआउट करो गाइस, नेपाल का घर कुछ इस तरह सा होता है। देन मेरे जो सनू है उन्होंने गाय दो पाला है, ऑलमोस्ट 7-8 लीटर देता है, एक गाय इतना दूध देता है। तो ये गाय को चेक करो गाइस, बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा गाय है यहाँ पे देख सकते हो गाइस,
और वहाँ पे भी एक है, इधर भी उसका बच्चा होता होगा, तो इसी को पाल के एक दूसरे बिक्री करके ही उनका गुजारा चलता है यहाँ पे। तो काफी जगह मतलब काफी ज्यादा दिक्कत है एक्चुअली बोलने से। और ये जो घास है ना गाइस, ये घास पूरा पहाड़ों से काट के बुके लेके आना पड़ता है, ये टोकरी होगी ना, ये टोकरी में, तो रोज ये काम करना पड़ता है। और गाय रोज आपको 7-8 लीटर दूध देगा, वही दूध को बिक्री करके उसी से लाइक गुजारा होता है गाइस। तो बहुत ज्यादा दिक्कत है नेपाल में भी एक्चुअली बोलने से। और सब लोग घर में भी नहीं रहते। दीदी का तो शादी हो चुका है, मेरा जो भाई है ये भी यहाँ पे नहीं रहता, वो भी गाड़ी चलाता है उधर लाइक आकरी विद्या में, सनो अकेला रहते हैं यहाँ पे ना। तो ऐसा है गाइस, यहाँ पे कितना छोटा सा यहाँ पे किचन है, देख सकते हैं गाइस। बांजारा बोकनो आउँछ तो गाइस अभी थोड़ा देर वेट करते हैं सनो को मिला के, मैं ये ब्लॉग को एंड कर दूंगा, ठीक है गाइस। अभी हम लोग घर से निकल के थोड़ा घूमने के लिए निकल रहे हैं डिस्कवर बाइक पे, चलो भाई ले रहा जा बाइक स्टार्ट ही होना था तेरा। स्टार्ट ही नहीं हो रहा यार बाइक से, एक्चुअली बोलने से हम पूरा पहाड़ में गाइस, और देख सकते हैं लोकेशन काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है ना। चल की खान बढ़िया गांव का लड़का गाइस, चलो घूमने चलते हैं अभी। हाँ आराम से भाई, रोड अभी भी बहुत खराब है गाइस। हाय दिस इज कॉल्ड नेपाल का रोड, इसको बोलते हैं नेपाल का रियल रोड गाइस। ओए कस्तो चलाको रात दिन हम लोग ने डिनर पूरा कर लिया था एक्चुअली। मैं आपको मेरा सनो को दिखा नहीं पाया था बिकॉज उस टाइम को थोड़ा हम लोग फरवरी में थे ना, अपना भांजा संजय के साथ खेला, तो उसके बाद बहुत ज्यादा अच्छा लगा, गाँव से घूमा मैंने बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो देख सकते हैं ये है मेरा सनो जी, बहुत ज्यादा अच्छे है यार एक्चुअली बोलने से, जैसा थे अभी भी ऐसे ही है। और ये जो मैंने गाय दिखाया था ना गाइस, वो गाय पूरा देखते है और उसी से मतलब गुजारा करते है एक्चुअली बोलने से, और बहुत ज्यादा मेहनत। मैं सिर्फ 20 इयर्स का हूँ, 20 इयर्स का है, और ये है 23 का। तो हमारे सनो बहुत ज्यादा फिट एंड फर्ट है एक्चुअली, मतलब कहीं जाएंगे बोले सनो बहुत ज्यादा हैंडसम बन के निकलते हैं ना सनो। और तो सब राम सनी खबर रु एकदम पूरा एकदम बढ़िया गुड ना। तो पापा और सनो पूरा मिल चुके हैं एक्चुअली, बोले से पहले का दोस्त थे, और अभी पूरा दोनों पूरा रात भर बात किए, और रात भर मतलब अभी दिन जब से मिले तब से बात ही कर रहे हैं ना दोनों एकदम बढ़िया से। तो गाइस अगर व्लॉग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। तो कल मैं अलग ही दिखाऊंगा, कल अलग होगा ये गांव का बारे में थोड़ा अच्छी तरह से दिखाऊंगा, ठीक है। आज तो बहुत थक गया गाड़ी में पूरा, वो पीछे बैठ बैठ के पूरा कमर से मेरा पूरा दर्द दे रहा है यार, हालत पंचर हो चुका है मेरा, अभी मैं डायरेक्ट जाके सो ही जाऊंगा, पूरा हालत ही खत्म हो चुका है। मिलते हैं कल का नया व्लॉग होगा, आज का ये व्लॉग यहीं पे एंड करता हूं, बस आप लोग सपोर्ट कर देना लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय बंदिनो, बाय बाय बंदिनो, बाय 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 बाय।